सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा करने और सहायता के लिए उठते हैं। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। आज का पंचांग 27 मई 2023 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 11:53 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्ण फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:55 से 10:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:57 से 4:46 तक रहेगा। वृषभ राशि 27 मई 2023 दिन शनिवार, वृषभ राशि के जातक अगर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आज नई योजना पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इस दिशा में आज आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि आज आपको अपने बजट का विशेष ख्याल रखना होगा। आज अपनी आमदनी और खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है। नौकरी पेशे वर्ग के लोगों को आज टारगेट पूरा करने में दुविधा होगी। आज संतान की स्वभाव के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आज शादीशुदा जातकों की लाइफ काफी खुशहाल रहने वाली है। आपसे संबंधों को मजबूती मिलेगी और साथ ही नजदीकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। एक रास्ता आपको अच्छी नहीं लगती, इससे आप बोर अनुभव करते हैं। आज आप काफी खुश और फ्लर्ट वाले मूड में होंगे। अपनी दिनचर्या बदलें, इसमें फिटनेस को जगह दें, किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, ऑफिस में नई पहचान बनेगी। कुल मिलाकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा, काम कम रहेगा, आप सकारात्मकता के स्रोत बने रहेंगे। आज दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा भी रहेगा। छोटे बच्चे आज आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है और यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। सावधानियां, परिवार में यदि किसी से कुछ पुराने गिले शिकवे चल रही हैं तो आप उन्हें ना उखाड़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान के करियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है जिससे आपको खुशी होगी। घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपका पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पॉजिटिव और अंतरंग अनुभव करेगा। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख तय होगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी ठोस मेहनत रंग लाएगी। ये सेहत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज से आपका भाग्य का कम जबकि आपकी मेहनत और लग्न का ज्यादा हाथ होगा। ये समय आपके करियर की उड़ान का समय है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। बात करते हैं सेहत की। प्रकृति आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का एक मौका दे रही है। आपने अभी हाल ही में एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है पर टुकड़ों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे। आज इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इससे आपको अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
अपने दोस्तों को बोली कि जब आप वर्कआउट कर रहे हों तो वे आकर आपका हौसला बढ़ाएं, आपको प्रेरित करें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।